दिया क्योंकि जनता ने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन चार बार नहीं बल्कि छह मरतबा यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक को कामयाब किया जिन्होंने और तो हासिल किया अमोर की जनता का मगर अमोर की जनता का और हासिल करने के बाद वो आवाम को गरीब जनता को भूल गए वो अपना वक्त अपने घर में सोते हुए गुजार दिए और वे हमेशा इलेक्शन के वक्त आकर आवाम के सामने आकर और की भीख मांगते रहे। हम आपके सामने ये भी बतलाना चाहते हैं कि कल तक आप कोई शिकायत थी कि आपके पास कोई मोटाबाजी नहीं है कोई विकल्प नहीं है जो अमूर की जनता को कांग्रेस से छुटकारा दिला सके और अमूर की जनता की खूबसूरती है और उस खूबसूरती को सिर्फ मंगल से इतिहाद बड़ी समझ सकती है। हम आपके सामने बात कहना जरूरी समझते हमने कहा कि सीमांचल की सदरी और बस्ते वालों से इंसाफ की लड़ाई है हम इंसाफ को हासिल करेंगे। हमने कहा में गुलदस्ता तैयार करेंगे और वो गुलदस्ता में सिर्फ एक फूल नहीं होगा दो फूल नहीं होगा तीन फूल नहीं होगा चार फूल नहीं होगी बल्कि जब एक गुलदस्ता बनता है तो उसमें मुख्तलिफ फूल लगते हैं चाहे वो शेरशाहबादी के नाम का फूल हो चाहे वो पुलैया का फूल हो जमा करके एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। जब गुलदस्ता बनेगा तो ये हाथ की ताकत और कुव्वत के बल बूते पर इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की होती है। आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं इस गुलदस्ते को बनाकर इंशाअल्लाह ये हमारा आपके दरमियान में खड़े होकर एक वादा है और ये कोई सियासी वादा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि जंग को जीतने के लिए चाहे वो सियासी जंग हो सोच की जंग हो फिक्र की जंग हो उससे पहले इत्तेहाद पैदा होना जरूरी है और उन तमाम लोगों को उनका जायज मुकाम मिले और तब जाकर हम जंग पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इस गुलदस्ते में मजबूत बनाना है ये आपके हमारी जिम्मेदारी है यकीन ये जिम्मेदारी असल उत्ती रोई से शुरू होती है। मैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के कादिम के तौर पर आपसे वादा कर रहा हूं कि ये हमारी सोच है हम किसी को छोड़ना नहीं चाहता कि अख्तर अली ईमान इस फूल का एक बहुत बड़ा गुलदस्ते का एक बहुत बड़ा फूल है। अख्तर अली ईमान को हराने के लिए दुश्मन में तो इत्तेहाद पैदा हो गया जो कभी आपको नहीं सोचा था वो कम से कम मजलिस हमने जो इत्तेहाद की फजा पैदा की जो बदलाव की लहर पैदा की इसलिए आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के मुखालिफीन परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आपने यहाँ पर छह मरतबा जनाब मस्तान साहब को वोट दिया। सैलाब बाढ़ आती है जमीन कट जाती है कहा जनता के सामने कह दिया कि ये दशान है कटान नहीं ये कहा था ना हम तो झूठ तो नहीं बोल रहे उन्होंने कहा था कि दशान है बेटा कटान नहीं है। मुस्तान साहब ये अमूर की जनता आपको बताएगी सात तारीख की क्या है और दशान क्या है पूरी बात कर हम रोहतक की मार्केट में जलसा था हम किसी वजूहात की बिना पर नहीं जा सके। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि जरा हमारी इस बात को रिकॉर्ड करके रोजा के उस जनता कि छह मरतबा का है रोजा की मार्केट में ना एक शौचालय ना बैठक खला है ना एयर कूलर क्यों नहीं है वहां पर अगर उसको उस मार्केट को डेवलप किया जाएगा उस ट्रैफिक जैम को खत्म किया जाएगा रोड है रोजा
अगर रोहतास की मार्केट को सही किया जाएगा, वहां पर खाना बनाए जाएंगे, वहां पर शौचालय बनाए जाएंगे, वहां पर तो वो मार्केट में कारोबार करने वाले, वो मार्केट जो एक किलोमीटर लंबी मार्केट है, उससे गरीबों को फायदा हो सकता है। मगर जिसको आपने नोट किया जेब में पैसा आ जाए, वो ये नहीं चाहता था कि गरीब को ताकत मिले, वो हमेशा गरीबों को गुलाम और अपना नौकर बनाकर रखना चाहता था। हम आपसे कह रहे हैं कि जमहूरियत में अकबरुल्लाह आपका खादिम होगा, आपका गुलाम होगा, आप हाकिम होंगे, आपके हुक्म पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये विकास मजलिस से सीमांचल में महानंदा बेसिन का काम जो आज से 50 साल से रुका हुआ, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि महानंदा बेसिन के काम को शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह। महानंदा जो सिर्फ का काम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए बहुत जरूरी है, और वो काम अगर कोई करा सकता है जो बिहार की विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री की आंखों पर शेर की तरह अगर खा सकता है तो कोई नहीं है सिवाय अकबरुल्लाह के। इसीलिए आप सभी कह रहे हैं कि अकबरुल्लाह को कामयाब करिए। अकबरुल्लाह न सिर्फ करेगा की सरजमीन पर बसने वाले उन बेजुबानों के दर्द और उनकी तकलीफ की आवाज करेगा, सरजमीन पर हमारे नौजवान तादाद में कभी पंजाब हरियाणा या फिर दिल्ली जाते हैं, उनको रोजगार उन्हीं के गांव में उन्हीं के क्षेत्र में प्रदान करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बाढ़ आती है, कट जाती है, मस्तान में बिहार सरकार का कानून है कि अगर जमीन कटती है जमीन आपको मिलना चाहिए या उसके बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कभी मस्तान ने आपको 5 डिसमिल जमीन दिलाई? क्या जमीन के बदले में मुआवजा? तो फिर मेरी माँ और बहनों, हम आपसे वादा कर रहे हैं, सरकार का कानून है, अकबरुल्लाह को कामयाब करिए। खुदा ना खास्ता अगर बाढ़ आती है तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बाढ़ आने से पहले तटबंध का काम होगा, और उसके साथ अगर पानी आता है जमीन के लिए तो हुकूमत के कानून के मुताबिक अमूर की सरजमीन पर बसने वालों को एक एक आदमी को 5 डिसमिल जमीन मिलेगी, या उसके बदले उसको पैसा दिलाने अस्पताल स्कूल कुछ नहीं है, गरीबी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान रहते हैं। ये कब हल होगा? जब आप एक नेक आदमी को यहाँ से अपना MLA विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में सभी में ले जाएंगे। मैं डरने वालों में नहीं हूँ, बल्कि मैं अभी सुना अफसर भाई कह रहे थे और हमको सुनाने के अखबार की हेडिंग भी दिखाया गया कि किशनगंज में कल राहुल गांधी का जलसा हुआ, और जलसे में राहुल गांधी की मौजूदगी विधानसभा ओवैसी के हाथ और पैर काट कर हैदराबाद ले जा रहे। अब आप बताइए कि हम पिछले 5 साल से आ रहे हैं, हमने कभी भी नफरत की गुफ्तगू और हम बदले की बात करें, हम आवाम को जो धोखा हुआ कि जिसने आपने 35 साल का निया किया कि जमहूरियत में सीमांचल के इंसाफ के लिए अपनी पार्टी को अपनी बात करना है। नामूर की जनता को बात बताना समझता हूँ कि मुझे जो सियासत का मुख्तसर सा तजुर्बा है,
मैंने बिहार के बहुत से मकामात का दौरा करने का मौका मिला, भारत के कोने कोने में जाने का मौका मिला, और जहां कहीं भी मैं गया वहां पर मुस्लिम अकलियत की, दलितों की और कमजोर तबकात की बदहाली को देखा, उनके बच्चों की आंखों में आंसू देखा, उनकी माओ के चेहरों पर परेशानियों को देखा, हमारे बुजुर्गों की तकलीफ को महसूस किया। इसकी वजह यही है, इसकी वजह एक ही है कि आपके पास आपकी कोई सियासी आवाज नहीं, आपके पास आपका कोई सियासी ऐसा रहबर नहीं है जो आपके ओर से जीत कर आपकी तकलीफ को समझे। याद रखो, जब बिहार की विधानसभा में अगर 14% यादव के 55 से ज्यादा एमएलए जीत कर वो इख्तदार को हासिल कर सकते हैं, तो बिहार प्रदेश में अगर मुसलमान अकलियत 17% है और आपके सिर्फ 23 एमएलए जीत के हैं, तो बताओ शिकायत किससे करेंगे। आज घर को आग लगी, घर के चिराग, ये हकीकत है। इसलिए मैं आपसे कह रहे हैं, अपने के और मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, मौजूदगी में आपके एक विधायक ने कह दिया कि ओवैसी के हाथ और पैर काट कर देंगे। राहुल गांधी याद हो, तुम 50 साल के हो गए, तुम्हारे जिस्म पर सर पर लाठियां काके सर पर रखना पड़ा, तुमने कभी जिंदगी में जेल में एक दिन नहीं गुजारा। मैं 4 मरतबा जेल मैंने देखा कि गरीब मुसलमान की तकलीफ क्या होती है, मैं जानता हूँ कि क्या चल रहा है, मैं जानता हूँ कि सीमांचल के जमीन पर बसने वाले चाहे किसी मजहब का हो उसके दिल में क्या तकलीफ है। बताओ राहुल गांधी भिजा दिया जाएगा, तो सुनो राहुल गांधी, मैं अमूर से तुमको यह पैगाम दे रहा हूँ, तुम हाथ और पैर से काट कर तुम मेरी जान ले लो। मैं सीमांचल पर, मैंने सीमांचल की सरजमीन पर अपना पसीना चटकाया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना खून भी गिराने लग जाऊंगा, तो हमने अपना गिरा दिया। यहाँ पर हम हर रोज दुआ करते हैं, अल्लाह जानता है कि अल्लाह सीमांचल की सरजमीन पर इन गरीबों के लिए रहबर को पैदा कर दे, जो सलोकीन ओवैसी से बेहतर हो, जो मदरसे इत्तेहाद और मुस्लिमीन के रूप में बिहार में फिर खड़ा पैदा कर। हमारी तो ख्वाहिश ये है, और राहुल गांधी अगर ये समझते हैं कि हम करते हैं मौत से, नहीं राहुल गांधी, मौत सबको आनी है, कोई बसने वाला नहीं, कोई बसने वाला नहीं है। हाँ, अगर मेरी जिंदगी की मुझे शहादत मिल जाती है तो अल्लाह का इससे बड़ा इनाम मुझे नहीं मिल सकता। मैं तैयार हूँ अपनी जिंदगी के इस मकासद पे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। अगर जिंदा रखा अल्लाह मुझे काजियों की तरह, और तुम्हारे जैसे इन लोगों डराने वालों से हम डरने वाले नहीं हैं। मस्तान साहब, आप नहीं जानते मुझे, मैं कोई शीश महल से अपने यहाँ तक नहीं पहुंचा हुआ, मैं किसी कानून पर कदम रखकर यहाँ पर नहीं पहुंचा हूँ। अगर कांग्रेस ओवैसी को जान से मारने की धमकी देने से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले कम हो जाएंगे, राहुल गांधी तो आप हम ले आए उनके जिसके मुबारक, हम जिसके नाम ले आए उनको तायब से मक्के के सफर में उन पर पत्थरें बरसाई गई थी, उनको अपने जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया था। हम जिसके नाम ले आए राहुल गांधी, उनको अहद के मैदान में अपने जंदाने मुबारक को शहीद कराना पड़ा। राहुल गांधी हम जिसके नाम ले आए, सुनो, उन्होंने अपने नवासों को एक यजीद के सामने अपने नवासों की कुर्बानी को पेश कर दिया और हक को सरबरंग कर दिया। राहुल गांधी तुम नहीं जानते, मैं जिसका नाम, जिस पर मैं अपनी सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ, सिर्फ उस नाम पर, सुनो राहुल गांधी, हम उनके नाम ले आए कि जब वो किसी गली से गुजरते थे
एक नादान औरत कचरा फेंकती थी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने हम उनको सबक सिखाया। अगर तुम्हारी राह में कोई कचरा फेंके, कोई कांटे बरसाए, खुदा की कसम हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। हमारा रास्ता एक ही होगा। राहुल क्या कर सकते हो, मैं जितनी ताकत है कर लो, तुम्हारे ये लोग हाथ काटेंगे, काट देंगे, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। अगर हाथ कटेंगे तो अखबार की सुन्नत बाजू टूटेगा, फिर उमर की सुन्नत थोड़ी होगी। अगर पैर काटे जाएंगे तो हाथ कटेगा, मगर जबान और आवाज रहेगी। गुंडागर्दी की हाथ काट देंगे, फिर आप जब आपको ये नजर आ रहा है कि अब मेरा सियासी सफर खत्म हो रहा है और अख्तर उल ईमान यहां से कामयाब हो रहा है, हक का शिकार हो, ठोकरों का शिकार होकर मेरा मस्तान कह रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि और बोलो मस्तान, जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि भागता है तो बहुत भागता है प्यार। और ये वो मस्तान साहब है, जब लॉकडाउन में लोग बच्चे परेशान थे, क्वारंटाइन में रख दिया गया, कोई नहीं आया, बच्चे पंजाब हरियाणा से किशनगंज के क्वारंटाइन में थे, कौन गया कल मान गया और बच्चों से मुलाकात कर, वो क्या अख्तर उल ईमान को रिश्ता था, मुर्जापुरी है, कौन मुलैया है, कौन पश्चिमा है, कौन शेरशाहबादी है। अख्तर उल ईमान ने कहा कि मुझे देखकर मुझे कमजोर नजर आ रहा, दौर पर अख्तर उल ईमान कह रहा ये मजाक हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ हम को क्या कहते, गोलकुल से मुकाबला नहीं कर एक मरद से मुकाबला, हमारी दुश्मनी में एक तो सबसे बड़ी हम उनसे पूछना चाहते हैं, भैया ये तो बताओ एनआरसी एनपीआर पर आपकी क्या राय है, बड़े एनपीआर एनआरसी पर एहतजाज किया, सबने किया, और क्यों किया, इसलिए किया कि आप जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस जिससे जेडीयू वाबस्ता है, आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं और वो जेडीयू का उम्मीदवार दूध के खतरे चाट रहा है। उनका मकसद क्या है, जब सीमांचल की बीजेपी की तरफ से, मोदी की पार्टी की तरफ से सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा था, तो क्या राजद ने, क्या कांग्रेस ने, क्या जेडीयू ने, किसी ने कहा, किसने कहा कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले भयूर और बासूर और जनता बांग्लादेश से कोई ताल्लुक, जवाब दिया अख्तर उल ईमान ने, उनका जवाब दिया उन्होंने तो कहा ये जेडीयू के प्रत्याशी, अगर आप जेडीयू को वोट देंगे तो याद रखिए वो सीधा पड़े एनपीआर का कानून जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने दिल्ली के पार्लियामेंट में लेकर आया, आपने देखा, दुनिया ने देखा और अल्लाह गवाह है कि हमने पार्लियामेंट में मोदी के 306 एमपीओ के नीतीश कुमार के 18 एमपी के सामने खड़े होकर कांग्रेस के 55 एमपी बैठे हुए थे हमारे सामने,
बेबाक तरीके से और साफ अल्फाज में कहा कि सुनो नरेंद्र मोदी, ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है और हम इस कानून को नहीं मानते इसलिए कि संविधान के खिलाफ है। हमने मोदी के 306 ताकत की परवाह नहीं की, हमने ये नहीं देखा कि 55 बैठे हैं, हमने सोचा कि हमारे साथ सिर्फ दो है, हमने कहा हमारे साथ वही काफी और हमने फैसला लिया कि सबसे बेहतरीन काम यह है कि बातिल के आवाज उसकी और हमने सारी दुनिया के सामने मोदी की सरकार के सामने उस कानून को हार कर दिया। बचाव का ये काम मस्तान ने किया या मस्तान की पार्टी ने किया तो ना जाना। हम गलत कानून हम दिलों को मिलाना चाहते हैं, वो तोड़ना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जेडीयू के उम्मीदवार से तुम्हारी क्या राय है? जेडीयू का उम्मीदवार जिस पार्टी से ताल्लुक है उसने शुरू कर दिया था बिहार में, कोरोना आ गया तो एनडीआर हो गया, झूठ बोल रहे हैं। याद रखो आप, अगर सीधा एनआरसी होगा तो इनका पहला निशाना सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हरिवंश का होगा। इसीलिए आपको सीधा एनपीआर एनआरसी के खिलाफ अख्तरुल इमाम जैसे मजबूत उम्मीदवार को कामयाब करना जरूरी है। जब अख्तरुल इमाम को कामयाब करेंगे, मेरे बार मैंने आपसे भी अपील है कि 7 तारीख के दिन आपके बेटे आपके भाई अख्तरुल इमाम को कामयाब करिए। हम अपने बुजुर्गों से अपनी माँ और बहनों से कहना चाह रहे हैं कि आप अपना वोट सिर्फ अपने लिए नहीं डाल रहे, आप इंफरादी तौर पर अपना वोट नहीं डाल रहे, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट डाल रहे हैं। बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट डाल रहे हैं। जो आने वाला तूफान सीधा है, उस तूफान से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो मेरे सकते हाथ और मश्रमी और अख्तर रिहान। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन बेखौफ होकर निकलिए और अपना एक और पतन साफ पर लगाइए और अपने इतिहास को कामयाब करिए। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्या हम से वादा कर रहे हैं जब के बाद अमूल की जनता इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा तौर पर अख्तरुल इमाम को कामयाब करेगी? क्या तमाम हमको क्या फूल दे रहे हैं तो हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान Allah'a emanet olun.